दोस्तों आप फेसबुक हैकर बनना चाहते हो, आपकी फेसबुक हैक हो चुका है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक हैक जो करता है किस तरह से हैक करता है और किस तरह से उसे रिकवर भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे भाई व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करते रहते हैं कि बोल रहे कर भैया मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गया और जो कि हैकर जो है मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड फोन नंबर सब कुछ चेंज कर लिया। इस वीडियो में आपको मैं प्रोसेस में बताऊंगा, अगर आप ये प्रोसेस करके रखते हैं तो आपकी फेसबुक आईडी हैक होगा ही नहीं। कोई भी हैकर हो लेकिन आपकी आईडी हैक नहीं करेगा, लेकिन आपको इस वीडियो में हैक का कोई टिप्स नहीं दूंगा, आप नहीं तो वीडियो मेरा ब्लॉक हो जाएगा। हैक होने का मैं रीजन आपको दे दूँ, पहले हैक तभी होता है जैसे आपने किसी को जीमेल आईडी और पासवर्ड अपना दिए फ़ोन नंबर, तो वो आईडी लॉगिन किया लेकिन उसमें क्या करेगा, वो अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर देगा और अपना जीमेल आईडी भी उसमें ऐड कर देगा, तो जो दोनों जब ऐड हो जाएगा तो वो हैक हो जाता है। उसे हटेंगे तो उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी रहेगा वो आपकी ईमेल आईडी को रिमूव कर देगा और उसका ईमेल आईडी रह जाएगा। इसी तरह से हैक हो जाते हैं, आपकी हैक करने वाला कहीं दूर के नहीं रहते हैं, आपका आसपास का ही रहते हैं, आपकी जैसे कॉन्टैक्ट में हो तभी आईडी वाईडी हैक होते हैं। तो चलिए बस मैं चलता हूँ फ़ोन के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं जो आईडी को हैक होने से किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं फेसबुक से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फेसबुक आईडी को ओपन करेंगे। फेसबुक आईडी ओपन करने के बाद जब आपकी फेसबुक आईडी ओपन हो जाए उसके बाद आपको मिलेगा से राइट साइड में इस थ्री लाइन का ऑप्शन, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको मिलेगा से सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके समय में कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेंगे, जो कि हैकर जो क्या करता है, तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ पर्सनल एंड इन्फॉर्मेशन में इस पर क्लिक करके हैकर क्या करता है, जैसे कि ये हुआ मेरा ईमेल आईडी, उसे कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं मेरा जो कि ईमेल आईडी जो कि मैं ऐड कर रखा हूँ, ये ईमेल आईडी की जगह एक और ऐड ईमेल आईडी कर ले, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं ऐड फोन नंबर और ऐड ईमेल आईडी। ये दोनों अगर हैकर दोनों जगह आप अपनी जो भी ईमेल आईडी फोन नंबर रहेगा इस जगह अगर वो ऐड कर लेता है तो आपकी आईडी 100% हैक हो जाएगा। ठीक है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरी आईडी कहाँ गया, क्योंकि हैकर इसी जगह आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड हटा के और फेक ईमेल आईडी बैठा लेते हैं, तभी आपकी आईडी हैक हो जाते हैं। हैक से रिकवर करने का तरीका अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहां से बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन जैसे मिलेंगे पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है ना टू फैक्टर पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं सेंड एसएमएस, इस सेंड एसएमएस में आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके फ़ोन में हो। जैसे कि मेरे फ़ोन में ये मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं तो सोचेंगे कि मैं आपका भाई का मैं हैक करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ से फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, आप जो भी आपकी पर्सनल फ़ोन नंबर है उसी नंबर दीजिए। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उस नंबर पे कोड जाएगा, तो देखते मैं कोड का वेट कर लेता हूँ। तो कोड मेरा लगता है आ चुका है, मैं चलता हूँ एक बार एसएमएस में, तो एसएमएस में आ जाता हूँ। एसएमएस में आने के बाद देखते हैं कोड आ चुका है, तो उसको मैं कर लेता हूँ कोड को कॉपी। ठीक है, जैसे आप इसमें कोड एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको कर लेना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस मिलेंगे, उसके बाद आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से ये मेरा यहाँ से ये टू फैक्टर कोड लग चुका है, लेकिन ये आखिर है क्या? मुझे बहुत सारे ऐसे भाई आप कमेंट में ये बोलेंगे कि करण भैया ये है क्या, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर एंटर किए हैं, अगर कोई हैक अगर जिसको ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों ही दे दिए हैं, अगर आप वो ईमेल आईडी पासवर्ड के माध्यम से जैसे कि आपको हैक करने के लिए चाहेगा, एग्जाम्पल मुझे ले लो, मैं आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया, लो भाई मेरा ये पासवर्ड है ईमेल आईडी है, तो बंदा क्या करेगा, लॉगिन करेगा, लेकिन उससे लॉगिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके फ़ोन में लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको रियल पासवर्ड ईमेल आईडी दिया हूँ। लॉगिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब वो लॉगिन करने के लिए चाहेगा तो मेरे पास 6 अंक का कोड गिरेगा, क्योंकि कोड उसको मैं दूंगा नहीं तो मेरा फिर फेसबुक आईडी लॉगिन कैसे करेगा। तो यही मैं प्रोसेस में बताया इस वीडियो में, अगर आपकी कोई भी हैक कर लेता है या उससे बचना चाहते हैं ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके किसी ने आईडी हैक कर लिया हो तो उसे आप रिकवर करते हैं तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको रिकवर करने का तरीका, क्योंकि फेसबुक आईडी का हैक जब हो जाता है तो ना तो उसके ईमेल आईडी से पता चलता है ना तो उसके फ़ोन नंबर से, क्योंकि हैकर सब चीज़ रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपकी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उसका जो है प्रोफाइल लिंक से आपको हैक से रिकवर करके मैं बताऊँगा कि किस तरह से उसे रिकवर कर सकते हैं।
तो फिर यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ से बैक, ठीक है। तो मेरा ऑफिशियल आईडी है, आपको अगर फॉलो करना है तो मेरे इस आईडी पे आके फॉलो कर सकते हैं और आपको फॉलो यहाँ से बैक मिलेगा, ठीक है। आप फिर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो फिर आप सबके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।